गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको बीए प्रतिवर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन कार्य के अंतर्गत नागार्जुन जी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अद्यतन काव्य का क्या अर्थ होता है। तो अद्यतन काव्य का मतलब होता है छायावार के बाद का जो समय होता है उसे हम छायावादोत्तर या अद्यतन काव्य के नाम से जानते हैं। अद्यतन यानी आज तक का जितना भी काव्य है वो सब अद्यतन काव्य के अंतर्गत आता है। तो जो आधुनिक काल है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर के अब तक की मानी गई है, उसका जो विभाजन किया गया है वो पद्य की दृष्टि से इस प्रकार किया गया है कि उसमें छायावादोत्तर या छायावाद के बाद का जो भी समय है उसके बारे में भी हमें प्रतीत हो जाता है। तो ये जो विभाजन है वो क्रमशः इस तरह से है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता आदि। तो छायावाद के बाद आते हैं प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इन समय में जितने भी कवि हुए उन सभी ने प्रायः ऐसी लेखनी चलाई है जो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति भी प्रेम की तरफ मोड़ने का प्रयास किया है। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के बारे में बताते हुए उनकी जो कविताएं हैं, नदी के दीप, एक बूंद सहसा उछली, मैं वह धेनु हूं जो कहा नहीं गया, सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम आदि की व्याख्या करते हुए मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको नागार्जुन जी के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले नागार्जुन हमारे प्रगतिवादी कवियों में से आते हैं। इन्होंने जो कविताओं को व्याख्या के रूप में, इनकी जो कविताएं हैं बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में, वो कविताएं हैं: पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, तुम जगी संसार जाए जाओ, तब मैं तुम्हें भूल जाता हूँ, बादल को गिरते देखा है, यह दंतुरित मुस्कान आदि। तो इनकी जो कविताएं, उनकी व्याख्या करने से पूर्व मैं थोड़ा सा परिचय नागार्जुन जी के बारे में आज दूंगी। तो बच्चों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ है। नागार्जुन के काव्य में व्यक्तियों के इतने व्यंग्य चित्र हैं कि उनका विशाल एल्बम तैयार किया जा सकता है। नागार्जुन जी की कविता के संबंध में ये विचार सुप्रसिद्ध समीक्षक नामवर सिंह जी के हैं। नागार्जुन जी का जन्म सन 1911 में दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम था पंडित गोकुलनाथ मिश्र। यह परिवार एक रूढ़िवादी मैथिल ब्राह्मण परिवार था। नागार्जुन के चार भाई बचपन में ही एक एक करके काल कबलित होते चले गए। पिता गोकुलनाथ ने वैद्यनाथ महादेव से पुत्र की याचना की,
जो बाद में पूर्ण हुई। परिणामतः संतान का नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा। मात्र 4 वर्ष की आयु में बालक वैद्यनाथ के शीश से माता उमा देवी का स्नेहांचल उठ गया। घर में अभाव ही अभाव थे, दृष्टिकोण रूढ़िवादी था और पिता का स्वभाव बड़ा ही कठोर था। इन स्थितियों ने वैद्यनाथ के बाल मन में घर के प्रति विराग और विद्रोह का भाव भर दिया था। तत्कालीन शिक्षा अवस्था के अनुरूप बालक वैद्यनाथ ने लघु सिद्धांत कौमुदी और अमरकोश से अपनी शिक्षा प्रारंभ करी। फिर वे बनारस आए और वहां अध्ययन किया। सन 1931 में अपराजिता से आपका विवाह हुआ, किंतु विवाह के मात्र 3 वर्ष बाद ही आप किसी बात पर गुस्सा होकर घर से निकल गए। वे सिंघल गए और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यहीं उन्होंने पाली भाषा सीखी। 3 वर्ष तक केलानिया में रहे, जहां अंग्रेजी और सिंघली भाषा का ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने कई अन्य भारतीय भाषाएं भी सीखी। महापंडित राहुल संस्कृत्यायन से नागार्जुन जी बहुत प्रभावित रहे। उनके प्रमुख शौक यात्रा, बहुभाषाओं का ज्ञान, गहन अध्ययन की प्रवृत्ति जो राहुल संस्कृत्यायन से मिलते थे, यही कारण है कि उन्हें राहुल संस्कृत्यायन का लघु संस्करण भी कहा गया है। सिंघल में रहते हुए नागार्जुन लंका सम समाज के माध्यम से वामपंथी विचारधारा के संपर्क में आए। नागार्जुन सन 1938 में सिंघल से भारत वापस आए और राहुल संस्कृत्यायन के साथ तिब्बती क्षेत्रों की यात्रा देखी। यहीं उन्हें लुप्त प्राय बौद्ध साहित्य का गहन परिचय प्राप्त हुआ। परिवार की विपन्नता के कारण विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, किंतु स्व अध्याय से उन्होंने साहित्य और दर्शन के गुण अध्ययन को समझ लिया था। नागार्जुन प्रारंभ से ही विद्रोही प्रकृति के थे। वे अपनी प्रकृति अनुरूप से सुभाष चंद्र बोस तथा स्वामी सहजानंद के निकट आए और किसान आंदोलन में भूमिका निभाई। छपरा में आंदोलन करते हुए राहुल जी और नागार्जुन एक साथ गिरफ्तार हो जाते हैं। छपरा और हजारीबाग जेल में वे 10 महीने रहे, जहां कार्यानंद शर्मा और रामनंदन मिश्र आदि प्रमुख नेताओं का उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ। नागार्जुन प्रारंभ में यात्री उपनाम से मैथिल में रचनाएं लिखते थे। उनकी पहली रचना सन 1930 में मिथिला मिहिर में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन लहरिया सराय दरभंगा से होता था। उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण उनका नाम यात्री उन पर काफी उपयुक्त था। वे कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। कंधे पर लटकता झोला उनके घुमक्कड़ व्यक्तित्व की पहचान था। सन 1941 में अपने वृद्ध पिता के आग्रह पर आप पुनः अपनी पत्नी के निकट आए, किंतु एक जगह पर टिकना उन्हें फिर भी पसंद नहीं आया। नागार्जुन ने बौद्ध हो जाने के बाद इस उपनाम को साहित्य सृजन के लिए स्वीकार कर लिया और इस नाम से सन 1935 में पहली कविता लाहौर में विश्व बंधु में छपने भेजी, जिसका शीर्षक था राग के प्रति। सन 1940-41 के बीच उन्होंने मैथिली में कुछ छोटी छोटी पुस्तकें छापी और उन्हें रेल यात्रियों के बीच बेचने का भी काम किया। आपके मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी आपको पुरस्कृत किया। आपका निधन 5 नवंबर वर्ष 1998 में हो गया था। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनमें संस्कृत कृतियां इस प्रकार है, चर्यालोक सप्तकम,
देश देश कम, कृषक दस कम, श्रमिक दस कम, लेनिन दस कम आदि। हिंदी काव्य में युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, चंद्रमा, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली आदि। उपन्यास के क्षेत्र में रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौत, बाबा बटेसर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतियां, जमनिया के बाबा, नवतुरिया आदि। मैथिली काव्य में चित्रा, पत्रहीन नग्न गांच। इतना आपने अपने जीवन में योगदान दिया, रचनाएं लिखी, जो कि आज भी हमारे हिंदी साहित्य की अनुपम निधि बनकर हमारे समक्ष आती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नागार्जुन ने जहां एक ओर अपने युग की सभी समस्याओं को कविता का विषय बनाया है, वहीं गांव की सौंधी माटी, वहां के गरीब किसान, खेतीहर मजदूर, भूखे प्यासे अनाथ लोगों की पीड़ा को भी उन्होंने बड़ी ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। उनकी कविता में आम आदमी का दर्द है, सत्ता और शोषक के चरित्र को उभारने वाली है। उनकी कविताएं अन्याय और उत्पीड़न का पर्दाफाश करती हैं। विश्व की प्रत्येक छोटी बड़ी घटना पर उन्होंने एक सजग पत्रकार की तरह काव्यात्मक टिप्पणियां भी दी हैं। तो ये था नागार्जुन जी का जीवन, जिन्होंने समाज में व्याप्त गंदगी को दूर करते हुए हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा वो अमूल्य रत्न प्रदान किया है, जो आज भी प्रेरक निधि बन करके हमारे समक्ष आती है। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।